स्वतंत्रता सेनानियों के उस स्वप्न को साकार करने वाली है। संकल्पबद्ध नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान के उनके राष्ट्रवादी सोच का, और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने स्मरण किया बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनके जीवन का एक ही मंत्र था कि भारत में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जिस संकल्प के लिए अपने प्राणों की आहुति दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उस संकल्प को संवैधानिक मर्यादा में पूर्ण किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में विशेष उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की सोच पर चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विविध योजनाओं का उल्लेख करते हुए इस बात का गौरव किया कि अंतिम पंक्ति में उपस्थित अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का नरेंद्र भाई का संकल्प भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का न सिर्फ गौरव है बल्कि प्रेरणा भी। इन 8 वर्षों के कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेखित किया जनधन योजना का, जिसके अंतर्गत 45 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी के सोशल सिक्योरिटी उन स्कीम्स का, जिसके अंतर्गत चाहे नागरिक को 1 रुपए में बीमा उपलब्ध कराया गया हो, चाहे 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का भरसक योगदान और समर्थन प्रदान किया हो, चाहे वो भूमिका हमारे देश के SC ST समुदाय को और भी सशक्त करने के सरकार की भिन्न योजनाओं का योगदान हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इन सारी स्कीमों का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय सेवा ही संगठन के माध्यम से हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में महामारी के वक्त अपने जान की चिंता ना करते हुए भी जो सेवा के कार्य किए उसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इस बात का विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में
कार्यकर्ताओं की ओर से किया कि भारत एकमात्र वो देश है जहां 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। महामारी के वक्त भारत का अभूतपूर्व योगदान वैक्सीनेशन में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ, सराहा गया, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में यह संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति हमारे संगठन का समर्पण, महिला नेतृत्व के प्रति हमारे संगठन का योगदान ये द्रौपदी जी के उम्मीदवारी में प्रतिबिंबित होता है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल की बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर भी देश का ध्यान आकृष्ट किया कि राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का यह संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है, 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। राज्य में चुनावी सफलता के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष बधाई दी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा के कार्यकर्ताओं को और आभार व्यक्त किया इन प्रदेशों की जनता के प्रति। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। एक विशेष आभार, एक विशेष टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में किया। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता
बंगाल केरल में किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जाता है, राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का सामना राष्ट्रीय संकल्प के साथ भारत के परचम के तले कैसे अपना योगदान देता है। इन तीनों प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के शौर्य और बलिदान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नमन किया। आज एक तरफ राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव के अंतर्गत चाहे वो डिजिटल इंडिया की योजनाओं की सफलता हो, चाहे वो गतिशक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था हो, चाहे महिला कल्याण के संदर्भ में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को ग्रामीण अंचल में सशक्त करने का सरकारी प्रयास हो, अथवा गरीब कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित सरकार के संकल्प के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्सुकता है उसका भी विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन में रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 170 मिलियन कार्यकर्ताओं के इस परिवार में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में नो बीजेपी के कार्यक्रम के अंतर्गत राजदूतों ने रुचि ली, इसका भी उल्लेख किया। आज एक तरफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और नेशन बिल्डिंग को समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस उद्बोधन का बढ़ चढ़कर अभिनंदन किया, तो दूसरी ओर विपक्ष की सतत कोशिश राष्ट्र को गुमराह करने के लिए, उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो राफेल का विषय हो, चाहे विपक्ष के नाकाम इरादे कि जनता जनार्दन भारत सरकार के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्वीकार ना करे, इन सब पर विपक्ष की भूमिका डिस्ट्रक्टिव रही, इसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। हम सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस उद्बोधन के लिए आतुर थे। आज उद्घाटन सत्र में उनके उद्बोधन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को दिशा दी। प्रधानमंत्री जी के सम्मान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा परिवार के कार्यकर्ताओं के मन के भावों को प्रस्तुत किया, इसके लिए हम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। नाउ इन इंग्लिश,
टुडे द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा इन हिज इनॉगरल स्पीच ड्यूरिंग द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द भारतीय जनता पार्टी पेड होमेज टू दोज हु गेव देयर लाइव्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. The Honorable President reminded the nation at large of the sacrifices made by citizens during the Indian freedom struggle who hoped to build a resilient nation where every citizen has access equally to opportunities, where women who are emancipated lead in various strata of society, and where the young receive assistance and support to serve the nation at large. It is this dream of those who gave up their lives for our nation's freedom. It is this promise to build a strong India that is being diligently served by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. In his inaugural address, the National President of the Bharatiya Janata Party expressed gratitude of every BJP karyakarta towards the Honorable Prime Minister for his 8 years of leadership, good governance, and empathetic administration as the Prime Minister. While the National President celebrated the good governance of the Honorable Prime Minister's 8 years of service, he joined the karyakartas of BJP to acknowledge his consistent service of 20 years in public office. Today, the National President, Shri JP Nadda, in his inaugural address, highlighted the sacrifices of Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life so that we as a nation could stand under one flag, united by one constitution. The National President, Shri Nadda, gave thanks to the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister for their stand historical in the Indian Parliament on Article 370. On the other hand, it is my party's pride that Deen Dayal Upadhyay ji spoke of emancipation of the poor, spoke of justice for all, spoke of equal opportunities to every citizen. It is that promise of Deen Dayal ji that has been kept by the Honorable Prime Minister through his various schemes that are particularly dedicated to the poor citizens of our country. The National President today expressed his salutations for the responsive, responsible, pro-poor government of Narendra Modi. Nadda ji today, in the inaugural speech, spoke elaborately on various government schemes, be it Jan Dhan Yojana,
which has provided economic support and emancipation of close to 45 crore Indian citizens, or programs such as the Pradhan Mantri Awas Yojana, which has given housing to over 3 crore citizens. He also spoke eloquently about the various social service schemes ranging from Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana onwards to policies and programs dedicated to farmers in our country. The National President was particularly pleased to express our gratitude to the Honorable Prime Minister with regards to schemes dedicated to emancipation of women, be it building of 11 crore toilets or schemes like Ayushman Bharat, which are particularly dedicated to the health and well-being of families, particularly women. Today, when we meet in the National Executive, the National President was particularly pleased to extend his congratulations to the Karyakartas of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, and Manipur for their majestic win in the state elections. At the same time, the nation is cognizant that BJP workers in the states of West Bengal, Kerala, Jammu Kashmir have particularly been met with many a challenges. Karyakartas of the Bharatiya Janata Party slaughtered in Bengal. Karyakartas of Bharatiya Janata Party assaulted, slaughtered in Kerala. Karyakartas of Jammu and Kashmir who confronted those who wanted to break India, they confronted them under the Indian flag, holding the Indian constitution dear to them. It is to such Karyakartas that in the National Executive, the Honorable President Nadda ji paid homage. Today, while Nadda ji spoke about the constructive politics of the Bharatiya Janata Party under the leadership of the Honorable Prime Minister, he reflected on the destruction opposition parties hope to thrust upon the people of our country. That the opposition, mostly family oriented, that the opposition that emanates from many a corrupt practices has time and again tried to ensure that policies and programs of the Government of India that are dedicated to building a resilient, resurgent India are met with destruction and disruption, is an angst that was expressed by the Honorable President, Shri J.P. Nadda. Today, on behalf of the Bharatiya Janata Party as Karyakartas, we give thanks to our National President, who has, in his inaugural speech, set the tone for the National Executive. This is an executive that takes pride not only on the good governance policies of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This also is an organization of 170 million workers
that humbly dedicates itself to the service of the people of India under the leadership of the National President, Sri J.P. Nadda. Today's press conference, my friends, has been called particularly on the inaugural speech of the Honorable President. If there are any questions with regards to the President's speech, I am more than happy to take such questions. One word. Mopya Nandi Z. Bengal. আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জির ভাষণটা আমি এখনই উল্লেখিত করলাম, ওটার মধ্যে বাংলায় আর ইয়াহাঁ পে কুছ রিপোর্টার্স চাহতে হ্যাঁ বাংলা মে নেই হিন্দি ইয়া ইংলিশ মে আপকো উল্লেখিত করো। বঙ্গাল মে জো পলিটিক্যাল হত্যায় আর হিংসা জিসসে হামারে কার্যকর্তা হি নেই বল্কি বঙ্গাল কে নাগরিক ভি গ্রস্ত হ্যাঁ, উন কার্যকর্তাওঁ কে বলিদান আর শৌর্য কে প্রতি राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदना व्यक्त की, उनके संरक्षण के लिए समर्थन व्यक्त किया और अपेक्षा मुझे एक कार्यकर्ता के नाते है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के माध्यम से न्याय निश्चित रूप से होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो जनधन योजना की प्रस्तुति हो भारत के राजनीतिक पटल पर, चाहे वो वैक्सीनेशन का ही क्यों ना कार्यक्रम हो जिसके अंतर्गत सरकार की मंशा की महामारी के इस आलम में हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य की दृष्टि से संरक्षण हो, उस पर भी संदेह उत्पन्न करके बार बार विपक्षी पार्टियों ने गतिरोध प्रस्तुत किया, ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी के तो विरोध में विपक्षी पार्टियां थी ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि मोदी जी का विरोध करते करते विपक्षी दल देश का विरोध करने लगे, ये भी उनके लिए उचित नहीं है। राष्ट्र की कुछ ऐसी दरकार है जिन पर विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रहित में सोचने की जरूरत है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने राष्ट्रीय दायित्व से अपरिचित है। कृष्णा राव। As somebody who has the privilege of serving under the leadership of the Honorable Prime Minister, the Prime Minister from his first day in office has given a clarion call for cooperative federalism. The Prime Minister in his 8 years of service has met leaders from various political parties and deferred to them with respect, as is constitutionally desired, as is validated by Maryada. That KCRG has not only disrupted what has been constitutionally a federal protocol in our country, that he has broken Maryada constitutionally, politically, culturally, societally, reflects on him. प्रधानमंत्री जी ने जब 8 साल पहले प्रधान सेवक के दायित्व को स्वीकार किया, तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े आदर सम्मान के साथ
उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं। आज यहां पर जिस दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर का आपने वर्णन किया, वो ना सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि भारत के संस्कार और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। नीरज पांडे, एबीपी। तानाशाह वो जो संविधान की मर्यादा को भंग करे, और आज तेलंगाना की धरती पर संविधान की मर्यादा भंग करने वाले का नाम केसीआर जी है। विकास हिंदू मिलाप, हिंदी मिल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहां पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा, हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है, और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। You will have to pose that question to me. For KCR and his political entity, politics may be a circus,